जानना चाहेंगे कि जय भीम जो शॉर्ट वीडियो एप्स है उस बारे में कुछ बताइए सर। देखिए बहुत सारे शॉर्ट वीडियो ऐप्स हैं और उसमें ये स्पेस ऐसी है जो रिक्त हो गई थी टिकटॉक के इंडिया से जाने के बाद। टिकटॉक चूँकि चाइनीज़ ऐप था वो इंडिया से जब चले गया तो वो स्पेस थी और उसमें काफ़ी पोटेंशियल था इस बात की हमको समझ थी। उस हमने देखा कि उस स्पेस में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, इस वक्त करीब 11 से 12 प्लेयर्स है जिसमें टकाटक है, उसके अलावा जोश है, रोपोसो है, चिंगारी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब उस स्पेस में जब हमने देखा तो ये जाना कि उस स्पेस में काफ़ी पोटेंशियल है और इसमें साथ ही साथ बहुत सारा एडिक्शन है, बहुत सारे बच्चे इससे जुड़े होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अब इससे जुड़ने लगे हैं। और इसके अलावा जो लॉन्ग वीडियो ऐप्स है वो जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेज़ॉन देखते हैं, तो उन सारे ब्रांड उन सारे एसोसिएशंस में एक सैचुरेशन आ गया OTT पे लॉन्ग वीडियो ऐप्स में। लेकिन शॉर्ट वीडियो ऐप्स में बहुत पोटेंशियल था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड एसोसिएशन होने के चांसेस थे। इसलिए हमने ये महसूस किया कि ये स्पेस ज़्यादा पोटेंशियल वाली है, इसलिए इस स्पेस में एक ऐप को लॉन्च किया जाए। इसलिए हम अब 26 जनवरी 2022 को जय भीम नाम का ये ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि प्योरली शॉर्ट वीडियो ऐप रहेगा और इस ऐप में एंटरटेनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन इन तीन वर्टिकल्स पे हम एम्फसाइज करने वाले हैं। सर जब कोई ऐप्स बनता है या कोई भी कंपनी खुलती है नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये जानना चाहूँगा सर जय भीम रखा हुआ है क्या कुछ कारण है, किस तरह ये नाम आपके जहन में आया? देखिए जय भीम का एक इंटरनेशनल क्रिएटिव अपील है, इस नाम का बहुत महत्व है, ये डॉक्टर आम्बेडकर के नाम से जुड़ा हुआ है और हम इसलिए इसको लॉन्च भी 26 जनवरी को कर रहे हैं जो कि गणतंत्र दिवस है और उस दिन हमारा संविधान फोर्स में आया था, उस दिन से संविधान हमारा लागू हुआ था। तो हमने इसका नाम जय भीम इसलिए भी रखा है कि सबसे पहले तो जय भीम का मतलब ही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम की बात होती है। डॉक्टर आम्बेडकर के साथ इकोनॉमिक्स के अलावा, वुमेन एम्पावरमेंट के अलावा, हर चीज़ फ्रीडम के अलावा हर चीज़ जुड़ी हुई है जो हमको अपने आप को गर्वित महसूस करा सके। तो हमारा ये मकसद था कि जब हम इस ऐप को लॉन्च करें तो इस ऐप में ऐप की स्पेस तो वही हो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो जैसे कि बाकी सारे ऐप्स, लेकिन जय भीम नाम हमने इसलिए भी रखा था कि हमने एक सर्वे किया था करीब एक या डेढ़ साल पहले और बहुत सारे यंगस्टर्स से हम मिले और उनसे पूछा कि एक शॉर्ट वीडियो ऐप लेकर हम आने वाले हैं तो आपको क्या लगता है क्या नाम होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के से मिलने के बाद हमने जाना कि मेजॉरिटी के लोग जय भीम इस नाम से सहमत थे, इसलिए हमने इस ऐप का नाम जय भीम रखा है। सर ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि शॉर्ट वीडियो है, इसे रील भी लोग काफ़ी लोग बोलते हैं, रील भी बोलते हैं, तो जब ये लोग कोई इससे जुड़ेगा जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप से जुड़ेंगे क्या इसमें कमाई का भी जरिया है उनके लिए? जी हाँ, ये हमारी ऐप की सबसे बड़ी USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारे ऐप का ये है कि बाकी ऐप्स में भी आप मोनेटाइजेशन कर सकते हो, आपको कमाई का साधन बन सकता है, लेकिन इस ऐप में आपको अर्ली मोनेटाइजेशन होगा, आपको कमाई के साधन जल्दी मिलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोनेटाइज करा सकें। क्योंकि ऐप के पीछे का मकसद ये है कि बाकी सारे ऐप्स में होता ये है कि आप बहुत सारे वीडियोस करते हो, आप वायरल होते हो, उसका शेयर्स करते हो और उसके बाद कहीं जाकर आपको छोटा मोटा मोनेटाइजेशन शुरू होता है। हमारे ऐप के माध्यम से हम इसमें स्टार ऑफ द वीक बनाएंगे, स्टार ऑफ द मंथ बनाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सकें। और मोनेटाइजेशन होने के साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जिन क्षेत्रों में आपने मोनेटाइजेशन किया या जिन क्षेत्रों में आपकी रुचि है उन क्षेत्रों के एक्सपर्ट से आपको मिलाकर आपको मेंटोरशिप दी जाए, आपको मेंटोर किया जाए, आपको सिखाया जाए, आपको ट्रेनिंग दी जाए। अगर आप इंडस्ट्रियल चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, आप अपने इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो या आप अपने प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हो तो जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं ऐसे लोगों से आपको रूबरू किया जाए। अगर आप एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड हो तो एंटरटेनमेंट के कुछ खास लोगों से आपको रूबरू किया जाए। तो मेन कोशिश ये है कि ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उन सब के लिए स्पेस है जिनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। सर ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सी दिक्कतें आती है जब शॉर्ट वीडियो या रील्स बनती है, ये एक तो खुद बनाते हैं और कुछ फिल्मी गानों पे, फिल्मी कुछ सीन पे बनाए जाते हैं, अगर कोई अगर बनाना चाहे और फिल्मी गाने पे या फिल्मी सीन पे तो
तो कुछ कॉपीराइट से क्लेम आएंगे या कुछ इस तरह की, मतलब क्या कुछ आपके ऐप में है कि उसमें क्लेम ना आए? नहीं देखिए, हम इसमें ये कर रहे हैं कि हम हमारा ये पूरा डिस्क्रिशन है कि जो जो भी कंज्यूमर इसमें वीडियो क्रिएट कर रहा है, जो गाना वो क्रिएट कर रहा है, वो उसकी कॉपीराइट क्या की जिम्मेदारी उसकी है। हम प्लेटफॉर्म आपको मुहैया कर रहे हैं, हम आपके पास हमारे अपने अपने डेटाबेस में कुछ डायलॉग्स होंगे, कुछ सॉन्ग्स होंगे, उनको यूज़ करके आप अपने वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। पर अगर आप वीडियोस ऐसे लोग ऐसे गानों के क्रिएट कर सकते हो जिसके ऊपर कॉपीराइट्स के इश्यूज़ है, तो वो आपको रिजॉल्व करने हैं। हम अब एज अ प्लेटफॉर्म उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि आप ज़्यादातर ओरिजिनल चीज़ें क्रिएट करें, और ओरिजिनल चीज़ों का अपना महत्व होता है, और ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो में उन्हीं को पसंद किया जाता है जो ओरिजिनल हो। मैं चाहता हूँ सर एक बार वापस ये चीज़ रिपीट कर दे दर्शकों को, क्योंकि जब दर्शकों को ये चीज़ समझ में आया कि जय भीम शॉर्ट वीडियो जो एप्स है ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, ना कि आप कहीं से कोई कंटेंट लाए और चलाएं तो दूसरे कंटेंट आप लाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी। जी हाँ, हमारा ये शॉर्ट वीडियो ऐप है जो कि आपके क्रिएटिविटी को एनहांस करेगा। इसमें आपको रेगुलर वो वीडियोस बनाने हैं जो जिन वीडियोस में आप बिलीव करते हो, ट्रैवल के हो सकते हैं, ब्यूटी के हो सकते हैं, गेमिंग के हो सकते हैं, वो कॉमेडी के हो सकते हैं, सॉन्ग्स के हो सकते हैं, डांस के हो सकते हैं, आपके किसी भी इंटरेस्ट के हो सकते हैं, पर ये ओरिजिनल होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये लगना चाहिए कि इसके एक्सेप्टेबली यूनिवर्सल है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ऐप है और आपकी फ़ैन फॉलोइंग दुनिया में किसी भी जगह पे बढ़ सकती है, बशर्ते आपकी आइडिया ओरिजिनल हो। और अगर आपके आइडिया ओरिजिनल है, आपके फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं, और अगर आपको बहुत सारे शेयर्स मिल रहे हैं, आपको लाइक्स मिल रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप अर्ली मोनिटाइज हो जाओ। सर अब ये भी जानना चाहेंगे, जैसे दर्शक जब से जुड़ेंगे तो ये ऐप जैसे मोबाइल पे या पीसी पे किस तरह से इसे डाउनलोड करें? डाउनलोड आप इसको आपके अगर आपके पास जो भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आपके पास एंड्रॉयड है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आईओएस है तो आप फिर ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड एकदम ईजी है, जैसे दूसरे ऐप डाउनलोड करते हैं आप, जैसे फेसबुक करते हैं, ट्विटर करते हैं, उसी तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं 26 तारीख 7 बजे के बाद से। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि ये पीसी पे भी डाउनलोड हो सकता है? मोबाइल जी हाँ, ये पीसी भी, यस पे यस हो रही है, जी पीसी भी हो सकता है। जी हाँ जी हाँ। सर जाते जाते आप दर्शकों को, जो लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि 26 तारीख को ये ऐप लॉन्च होने जा रहा है। ये अपने तरीके का बड़ा ही अद्वितीय ऐप रहेगा, इसके बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं, इसलिए बाकी सारे ऐप से बेहतर ये ऐप होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस ऐप को आप डाउनलोड करें 26 तारीख के बाद, और वीडियोस क्रिएट करें, और खूब सारा पैसे कमाने का खूब सारे पैसे कमाने के चांसेस को बढ़ाएं। हो सकता है कि आप हमारे पहले इन्फ्लुएंसर हो जिनको रिवॉर्ड्स भी मिले, जिनको ग्रेटिफिकेशन में मिले, जिनको ब्रांड एसोसिएशन भी मिले, और जिनको प्राइजेस भी मिले। सर एक सवाल मेरे से छूट रहा था, मैं वो आपको लेना चाहूँगा। जैसे कि ऐप जो होता है, कोई कोई ना सेलिब्रिटी से जुड़ता है, या पॉलिटिकल हो या फिर इंटरटेनमेंट के, आपके साथ भी आपने किसी सेलिब्रिटी को जोड़ा है तो आप उनका नाम ले सकते हैं? जी हाँ, हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं मनोज वाजपेयी के साथ। उसके अलावा लॉन्च में मनोज वाजपेयी के अलावा आने वाले संदीप सुपारकर, सिद्धार्थ करण उस इवेंट को होस्ट करने वाले हैं, केतकी माटेगांवकर आ रही हैं, और उनके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमको विशेज़ दे रहे हैं। कुछ लोग पर्सनली भी वहाँ आने वाले हैं, इसलिए सेलिब्रिटीज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जुड़ते चले जाएंगे।